आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे, मैं आपके साथ हिमानी कंधारी। इस समय हम लोग जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं। जिस तरह से आज 5 दिसंबर 2024 है, आप सबको अभी तक पता चल ही गया होगा, ये जम्मू यूनिवर्सिटी में 5 दिसंबर के बाद से 4 पहिए वाहन जो हैं वो अंदर लाना अलाउड नहीं है। अगर आपके पास 2-व्हीलर है यानी कि स्कूटी है तो आप ज़रूर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, लेकिन अगर गाड़ी है तो आपको जो एक डेडिकेटेड पार्किंग बनाई गई है वहीं पर जाना है। तो इस समय हम यूनिवर्सिटी कैंपस के बिल्कुल बाहर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि गेट पे किस तरह से जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं कि जो 4-व्हीलर जो गाड़ियां हैं वो अब जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं आप लेके आ सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू नोटिस, नॉट एंट्री फॉर 4-व्हीलर्स, ओनली 2-व्हीलर्स आर अलाउड टू एंटर द यूनिवर्सिटी कैंपस, फ्री शटल सर्विसेज अवेलेबल। यानी कि जो ई व्हीकल्स है यहाँ पर अवेलेबल, आप उसको यूज कर सकते हैं। फ्री पार्किंग अवेलेबल एट सेंट्रलाइज्ड पार्किंग नियर रेजिडेंशियल गेट ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंदर कि जिस तरह से पहले अगर आप यूनिवर्सिटी में आते थे तो आपको सिर्फ गाड़ियां दिखाई देती थी, लेकिन अब आपको कैंपस में कुछ हद तक शांति जरूर दिखाई देगी। हालांकि 2-व्हीलर्स अलाउड हैं, लेकिन वो बच्चों की कन्वीनियंस के लिए ही अलाउ किए गए हैं। अगर आप दूर तक नजर डालें तो जो गाड़ियां हैं फिलहाल जम्मू यूनिवर्सिटी में नहीं दिखाई दे रही। अगर आप नजर डालें सामने तो जो ई व्हीकल है वो अब चलना यूनिवर्सिटी में ज्यादा शुरू हो गई है, क्योंकि काफी समय से ये जो ई व्हीकल है ये यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद थी, लेकिन बहुत कम बच्चे इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ये जो व्हीकल है फ्रीक्वेंटली यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रही है, और आप देख सकते हैं कि इसमें आराम से 9 से 10 बच्चे बैठ सकते हैं एट अ टाइम, और मेन गेट से अपने डिपार्टमेंट, कैंटीन या किसी भी अन्य स्थान पे अगर उन्हें जाना है तो वह जा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस समय अगर आप देख पाए तो सिर्फ जो 2-व्हीलर हैं वो ही अलाउड हैं, और जो 4 पहिया वाहन होता है यानी कि गाड़ियां, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में जो है वो अलाउड नहीं है। तो जो ये ई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। नमस्कार, आपका नाम? अनिल। जिस तरह से ई व्हीकल काफी समय से यूनिवर्सिटी में है, तो पहले ज्यादा तादाद में बच्चे जाया करते थे, या जब से अब ये गाड़ियां बंद हुई हैं तो ज्यादा तादाद में बच्चे जा रहे हैं? अभी थोड़ा ज्यादा है। अब गाड़ी आपको कहीं दिखी? आप पूरा राउंड मार कर आए हैं तो कहीं गाड़ियां हैं? नहीं मिली कोई गाड़ी। तो बच्चों ने कैसे इसको लिया है, ये जो इनिशिएटिव है, उन्हें खुशी है कि गाड़ियां बंद हुई हैं या वे दुखी हैं? नहीं, ठीक है, अभी तक तो कोई रिस्पांस मिला नहीं मेरे को, जो मिलेगा फिर बताओ। ठीक है, तो इनका कहना है कि अभी तक रिस्पांस जो है वो नहीं मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से यूनिवर्सिटी ने कहा था कि फ्री जो सर्विस है वो लेंगे, ऐसे एक ई रिक्शा जो है वो भी अब लॉन्च कर दिए गए हैं। और यहाँ पर हम इस समय यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद हैं ताकि आप लोगों को भी बता सके कि ये जो इनिशिएटिव जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा लिया गया है उसे बच्चे कैसे देख रहे हैं। जो बच्चे हैं या तो पैदल आ रहे हैं या अपने 2-व्हीलर पर आ रहे हैं। सर, आपका नाम?
जिस तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया है कि चार पहिया जो व्हीकल है वो अब जम्मू यूनिवर्सिटी में नहीं आएगी, इस पे आपका क्या कहना है? इसको मैं मिलने मुझे पता नहीं इसके बारे में। आप न्यू हैं? जी मैम, मैं अभी रजौरी से आया हूँ, मुझे पता नहीं है। ठीक, ये जो प्लान किया मुझे पता नहीं है। ये अभी फिलहाल हाल ही में ही इन्होंने ज्वाइन किया है तो ये कह रहे हैं इन्हें पता नहीं है। ऐसे कई बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, लेकिन अब यूनिवर्सिटी में जो बोर्ड है वो लगा दिया गया है कि आप सिर्फ जो टू व्हीलर गाड़ियां हैं वो ही लेकर आ सकते हैं, यानी कि मोटरसाइकिल, स्कूटीज। यहाँ पे जो सिक्योरिटी में है इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह है जी। सुबह से आज से शुरू हुआ है कि जो फोर व्हीलर गाड़ियां हैं वो नहीं लेके जाएंगे, तो इसमें बच्चों का कैसा रुख है? फिलहाल तो ठीक ही है। बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे गाड़ियां लेके? बच्चे आ रहे हैं और जो गाड़ियां लेके आ रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि नीचे गेट पे एक MM कॉलेज के अपोजिट हमारा गेट है, वहाँ पे पार्किंग बनाई गई है, आप वहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी एक पार्किंग पीछे है जोरावर सिंह में, तो वहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं। तो बच्चे इसको अच्छे से ले रहे हैं कि जा रहे हैं? अच्छे से ले रहे हैं जी। और सिर्फ टू व्हीलर जो है वही वो अलाउ कर रहे हैं, टू व्हीलर अलाउ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे, सबके पास गाड़ियाँ होती हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो होते हैं वो 18 प्लस होते हैं, सब लोग ड्राइव करते हैं और दूर से आते हैं तो लाजमी सी बात है पेरेंट्स ने गाड़ियाँ स्कूटर दिलवाए होते हैं। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने एक स्टेप लिया है जिसे ग्रीन इनिशिएटिव कहा जा रहा है, जिसमें जो फोर व्हीलर व्हीकल है वो नहीं लेकर आएंगे। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट फिलहाल जम्मू यूनिवर्सिटी से। तो अगर कुछ भी इस पे अपडेट होता है हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए JK News Today। वीडियो जर्नलिस्ट सोमदत्त के साथ मैं हिमानी कंधारी।